ये क्या दिख रहा है? क्या है वो? भाई रुक जा रुक जा, मैं जूम करके दिखाता हूँ तुम्हें। यार आप सभी का स्वागत है त्रिपस ब्लॉग्स एंड एक्सपेरिमेंट चैनल में। यहाँ पे हमारा सबसे पहला व्लॉग है। हम जा रहे हैं ओखला बर्ड सेंचुरी, जो कि यार ये यूनिक प्लेस है दिल्ली में। तो आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं बताओ हरीश भाई? देखो यार, आप कहा अगर दिल्ली में रह रहे हो तो आप जो है मेट्रो से आ सकते हो। मैजेंटा लाइन्स का जो है वो मेट्रो है, जिसमें आप ओखला बर्ड सेंचुरी का नियर बाय मेट्रो स्टेशन है, आप देख भी सकते हो। हमारे पीछे दिख रहा है, दिख रहा होगा आपको पीछे जो है हमारा ये ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन है, जहाँ पे आप आकर के जो है यहाँ से 250 मीटर के डिस्टेंस पर आप पहुँच सकते हो। यूनिक प्लेस है। हाँ, यहाँ पे यार आज हम पूरा व्लॉग पूरा कवर करने वाले, वहाँ पे क्या क्या मज़ेदार चीज़ें हैं सारी चीज़ दिखाएंगे। तो यार बने रहो पूरे व्लॉग में। A few inches later. यार अभी हम आ चुके हैं ओखला बर्ड सेंचुरी के गेट पे, एंट्री गेट यहाँ पे दिख रहा है आपको। बताओ हरीश भाई कि यहाँ पे क्या क्या और चीज़ें हैं? देखो यार, यहाँ आओगे तो पार्किंग के लिए उतना ज़्यादा प्लेस तो नहीं है, यहीं पे पार्किंग कर रहे हैं, ठीक है? देख पा रहे हो तो ये सब जो कार है ये पार्किंग प्लेस है। और हाँ, यहाँ पे बता रहे हैं ये कि कोई सा भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है पार्किंग के लिए, ठीक है? लेकिन आपको एंट्री चार्ज है, बिना चार्ज के आप अंदर नहीं जा पाओगे। कितना चार्ज होगा हम जाके पता चल जाएगा, तो हम आप लोगों को बता देंगे। कर चुके हैं और यहाँ पे हमें 30 रुपये चार्ज लगे हैं। आगे बताओ भाई हरीश। हाँ तो यार देखो, 30 रुपये चार्ज है पर पर्सन, एक बंदे का 30 रुपये है। और आगे यार यहाँ से जो है वो 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है अंदर, तो आप लोग पैदल भी जा सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो या पैदल नहीं जाना है तो ये आपको दिख पा रहा है, ठीक है, आप इससे भी जा सकते हो। इसका चार्ज जो है 60 रुपीज़ बता रहे हैं, ठीक है? ये आना और जाना आपका दोनों हो जाएगा, ठीक है? तो आप 60 रुपये दे करके इससे भी ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन हम यार पैदल चलने वाले हैं। और देखो यार, वीडियो में बने रहो, वीडियो में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है जिसे देखिए आप लोगों को बहुत खुशी मिलेगी। तो ठीक है, आगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या सरप्राइज है। था वो यही था कि यार हमारे साथ ऋषभ आए, जो कि यार स्मार्ट स्टडी विथ ऋषभ चैनल से हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भाई ऋषभ भाई भी आ चुके हैं आज हमारे, और आज हम तीनों मिलकर के आपको पूरा व्लॉग दिखाएंगे, पूरा घूमेंगे। बताओ भाई ऋषभ, पूरी मजा आने वाला, ठीक है ना? आपको बहुत चीजें दिखेगी, ठीक है? सो यार वीडियो में बने रहो। कितना मस्त नजारा दिख रहा है, ठीक है? ब्यूटीफुल यार, बिल्कुल कितना मस्त जगह है भाई, देख रहे हो? मतलब बड़ा मजा आ रहा है यार। यहाँ तुम आओगे तो सच में तुम्हें नेचर की पूरी फीलिंग आने वाली है, ठीक है? और देखो यार, मतलब कितना वो क्या है भाई, क्या है ये? ये कौन सा जानवर है? ये तो कुछ अलग ही है, ऐसा तो नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये क्या दिख रहा है? क्या है वो भाई? रुक जा, मैं जूम करके दिखाता हूँ तुम्हें। क्या है ये भाई? हमें ही देख रहा है ये। अरे है क्या ये? अबे ये है कौन भाई? ये तो नहीं बताया था कि ऐसा भी कुछ है ऊपर इस जगह हिरन। और ये कहां से रहे? उधर तो पूरा पानी है, आ कहां से रहे ये? A few moments later. इसको देखो यार, कुछ ज्यादा ही मजे लेने हैं। ये इन सब पेड़ों पे चढ़ रहा है और कुछ है? अबे चल, कैसा क्या लगेगा ये? खुजली हो रही है हरीश को कुछ ज्यादा ही। हाँ, नाइस प्लेस, गिरेगा तब पता चलेगा। बस यहाँ पे भाई भैंसे दिख रही है, देख रहे हो? वो देखो इसके हरीश के पीछे भैंस। ये भाई क्या सीन है? पहले हमने सोचा था कि कुछ अच्छा जगह देखने को मिलेगा, आगे देखते हैं क्या है कि नहीं है, ठीक है? क्योंकि अभी तो हम बोर हो चुके हैं बिल्कुल। हाँ, हमें लग रहा था एक्साइटमेंट, लेकिन कुछ भी नहीं है। यार यहाँ पे आकर के हमारी हालत खराब हो चुकी है। हमें लग रहा था कि मजा आने वाला है। बताओ भाई तुम सबका क्या हालत हो अभी तक? यार कुछ भी ऐसा नहीं मिला हमें कि मतलब देख के सरप्राइज हो या कुछ ऐसा अमेजिंग सा। बिल्कुल, बस एक ही चीज दिखा था।
थाउजेंड ईयर्स लेटर। भाई यहाँ मजाक बन के रह चुका है हमारा, ठीक है। यहाँ तुम्हें क्या दिख रहा है पीछे भाई बताइयो? भैंस नहा रही है, भैंस दिख रही है, भैंस नहा रहा है। लिटरली यार जितना भी घूमे ना, दिस इज द वर्स्ट प्लेस यार, मत ही आना भाई। अभी तक तो मतलब बेकार लगा है सबसे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारी तरफ। ये क्या भैंस आ रही है, तुम देख पा रहे हो? मतलब यार गाँव है क्या ये? मतलब भाई बना रखा है कि यार टूरिस्ट प्लेस, यहाँ जगह घूमने के लिए। वहाँ पे दिखाया था कि बर्ड वर्ड तुम्हें देखेंगे भाई, कुछ नहीं देखने को मिला यार। ये बस ये नॉर्मल बर्ड जो यहाँ पे है। तुम्हें एक चीज और दिखाऊं मैं, ये देखो। हाँ, तुम्हें गोबर ये जंगल झाड़ देखो तुम, ये जंगल ये ओखला बर्ड सेंचुरी है, ये ओखला बर्ड सेंचुरी है। और यहाँ मतलब यार बंदे सब क्या वीडियो बनाते हो भाई। ये दिखाओ ये रुक जा। हेलो देखो भाई, भैंसों को देखो तुम, ये देखो ये देख देख रहा है, ये देख रहा हमें। ये क्या है, ये क्या चल रहा है? मजाक कर रहे हो? बोला आपका कट गया है, आपका कट चुका है। मारा मुझे भाई, सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी भाई। देखो यार वॉच टावर है यहाँ पे, और वॉच टावर पे हरीश पीछे है, ऋषभ भाई भी पीछे हैं। सिर्फ वॉच के लिए है भाई, देख लेना यार, देख के आना भाई। यहाँ टूटे ओ भाई 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 सकते हो, तो इस चीज का ध्यान रखना भाई। यहाँ पे बस और भाई सस्ते नशे हैं यहाँ पे। ओ भाई क्या है ये यार, यही सर भाई। भाई हम यहाँ थोड़ा ठहर लेते हैं भाई, कुछ ज्यादा ही वैसा है। हरीश भाई बता यार, सही में यार मतलब नहीं, ऐसा सोचा नहीं था और ना तुम सोचोगे आने टाइम। चलो आगे चलो, तो भाई को डर लग रहा था, वो आ रहे हैं। देखो यार हिम्मत करके यार, ऋषभ के लिए क्लैपिंग होता है यार। कमेंट में बताओ कि यार देखो भाई कितना मजा आ रहा है तुम्हें देख रहे। तो यार फाइनली हम पूरा घूम चुके हैं, और आपने भी सब कुछ देख लिया होगा। और यार मतलब सब चीज़ तो बता ही दिया है आप लोगों को, और आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, पहले तो राजीव भाई बताएंगे। भाई मैं आपको साफ साफ बताऊं, ठीक है, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ ऐसे नॉर्मली आ रहे हो ना, अगर कपल्स नहीं हो तो कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ आने के बाद। यहाँ कुछ भी नहीं है, बर्ड्स के नाम पे कोई बर्ड नहीं तुम्हें दिखेगा, वो तुम आराम से कहीं भी देख लोगे, ठीक है, कुछ भी नहीं दिखता है। और ऋषभ भाई आगे बताओ भाई, और क्या क्या तुम्हें लगा यहाँ का एक्सपीरियंस? आपको नदी दिखेगी और दूर दूर वहाँ पे बैठे हुए
डक दिखेंगे, जो बत्तख कह सकते हो आप, और पक्षी हैं, और वहाँ पे कुछ भी नहीं है। आगे आप जाओगे गांव जैसा आपको सीन दिखेगा, वहाँ पे भैंस वैंस दिखेगी। तो आपको रिकमेंड हम यही करेंगे कि स्टार्टिंग में ही घूमो, स्टार्टिंग में ही फोटोग्राफी लो और वहीं से अपना मजे लेके अपना वापस चले जाओ, बिकॉज आगे कुछ भी नहीं है। या देखो शुरू में तुम आओगे, शुरू में देखोगे या तो थोड़ा सा इन्होंने मतलब हार्डवर्क किया है तो तुम्हें थोड़ा सा दिखेगा, तो तुम्हें लगेगा कि भाई आगे और भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शुरू में तुम्हें बस थोड़ा सा दिखेगा, आगे जाके कुछ भी नहीं है। 4 किलोमीटर चल लोगे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये जो है वॉच टावर के नाम पर ना कुछ भी नहीं है, जाके देखो ना तो तुम पछताओगे। तुमने वीडियो में देख भी लिया होगा, तुमने देखा तो होगा ही वॉच टावर क्या था। वॉच टावर यार, अगर भाई आ रहे हो तो अपने कपल्स के साथ आओ, ठीक है, तो ठीक है, तो मजा आएगा, एंजॉय कर सकते हो। अदरवाइज कुछ भी नहीं है। नॉर्मल फ्रेंड के साथ आओगे तो फिर तुम्हारा कट जाएगा, बाद में तुम्हें लगेगा कि बेकार जगह आए हैं। तो इससे बेटर कि किसी दूसरे जगह के बारे में प्लान करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बताना भाई कमेंट करके कि फर्स्ट व्लॉग था हमारा, ठीक है, तो थोड़ी बहुत गलतियाँ भी हुई होंगी, तो बताना कि तुम्हें क्या गलतियाँ लगी जिसको हम इम्प्रूव कर सकें नेक्स्ट व्लॉग में। और ऐसे ही आपके लिए बहुत सारे व्लॉग्स धीरे धीरे करके आते रहेंगे। हम थैंक यू भी कहते हैं ऋषभ भाई को कि आज वो हमारे चैनल पर आए और हमारे साथ घूमने के लिए चले, तो बहुत ही मज़ा आया हमें, और लोगों को बहुत मज़ा आया आज की वीडियो में। और नेक्स्ट व्लॉग भी आप रिकमेंड करना कि हमें कहाँ पर शूट करना चाहिए। आप भी ऐसे हमें कई जगह रिकमेंड करो जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। दिल्ली के प्लेसेस अभी बताना, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, तो आप बताना दिल्ली के अच्छे प्लेसेस जहाँ आप गए हो, तो वहाँ पे हम जाके एक्सप्लोर करके आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ है। बिल्कुल। सो यार बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। सो यार थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत, बाय।